अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम टेक और गोजुन को आपस में बात करते हुए देखते है, जहाँ वो दोनों ये बात कर रहे थे कि ज़ोलोक ने 3 टुकड़े प्राप्त कर लिए और 4th टुकड़ा प्राप्त करने में उसे देर नहीं लगेगी। पर गोजुन कहता है कि अगर ज़ोलोक ने 4 टुकड़े प्राप्त भी कर लिए तब भी हमारे पास एक रास्ता होगा उसे रोकने के लिए, और वो है जादुई हथौड़ा, जिसका प्रयोग हैमरहेड ने लिश किंग से लड़ते समय किया था। लेकिन टेक याद दिलाता है कि वो हथौड़ा तो अंडरवर्ल्ड के अंदर है, जहाँ से मरे हुए लोग ही जा सकते हैं, और वहाँ जाकर उसे लाना भी आसान काम नहीं है। साथ ही उस हथौड़े को सिर्फ वो ही इंसान उठा सकता है जिसके पास जादुई ताज हो, लेकिन वो ताज भी ज़ोलोक के पास है और वो आसानी से अपना ताज किसी को भी नहीं देगा। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि जिसके पास भी वो ताज होगा वो मेरे ट्राइब के लोगों यानी कि ड्वार्फ का राजा कहलाएगा। जिस पर अब गोजुन कहता है कि मेरे को पहले ज़ोलोक को 4th टुकड़ा देने से रोकना होगा, और अगर ज़ोलोक को वो टुकड़ा मिल भी गया तो मुझे उम्मीद है कि मेरे को वो जादू या थोड़ा भी प्राप्त कर लेगी, जो इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक गाड़ी को देखते हैं, जिस गाड़ी पर जादूगर ने काया और उसके 2 साथी की नजर होती है। वहीं उस गाड़ी के अंदर मारिया नाम की फीमेल ने सहरा नाम की राजकुमारी को बंदी बनाया होता है, जिसे वो कहीं ले जा रही थी। साथ ही उस गाड़ी के अंदर उस पत्थर का 4th टुकड़ा भी होता है, जिसकी बनक मेरे को लग जाती है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहां कर मारिया के साथियों से लड़ना शुरू कर देती है, जिनकी लड़ाई दूर से काया और बाकी देख रहे होते है। इधर मेरे और बाकी जैसे तैसे उस गाड़ी के अंदर घुसने में सफल हो जाते है, और अंदर आने के बाद मेरे मारिया को धमकाते उससे पत्थर ले लेती है। लेकिन उसके पत्थर को छूते ही ज़ोलोक को पता चल जाता है कि मेरे के यहाँ 4th टुकड़ा लग गया है, जो अब जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसे 4th टुकड़ा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ मेरे मारिया और उसके साथियों को गाड़ी से बाहर करके उनकी गाड़ी को अपने कब्जे में कर लेती है, लेकिन वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते है कि तभी उनकी गाड़ी के सामने ज़ोलोक आ जाता है, जिसे देखकर मेरे और बाकी उसे लड़ना शुरू कर देते है, लेकिन उनके हमलों ज़ोलोक पर कोई असर नहीं होता। तब ज़ोलोक मेरेक से कहता है कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, और पहले की तरह भी इस बार भी मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि मेरे साथ हो जाओ, जिसके बदले मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरेक इस बार भी उसे साफ मना कर देती है, जो सुनकर अब ज़ोलोक थाने और डेगिन की ताकत को अपने अंदर समाने लगता है, लेकिन मेरेक उसे रोक लेती है, जिस चीज से अब वो गुस्सा होकर वहाँ लिश किंग के 3 असैसिन को बुला लेता है और मेरे को धमकाता है कि अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता, मैं वो टुकड़ा तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद तुमसे ले लूंगा। लेकिन तभी वहाँ गोजुन आकर मेरेक से कहता है कि उस टुकड़े को सुरक्षित जगह ले जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जो इतना कहने के बाद वो वहाँ नर्क का पोर्टल बनाकर ज़ोलोक के साथ उसके अंदर चला जाता है, और अब उसके अंदर जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है। इधर 3 असैसिन मेरेक और बाकी उसे लड़ना शुरू कर देते, जिन्हें हराना बहुत मुश्किल था, इसलिए अब मेरेक और बाकी वहां से भागने में ही अपना भलाई समझते। आप थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें गाड़ी के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि सहरा की ही थी, इसलिए डेगन और मेरेक अंदर जाकर उसे छुड़ा देते, लेकिन वो उन्हें ही चिल्लाने लगती है कि आने में इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि सहरा को लग रहा था कि उसके पिता ने उन्हें भेजा है उसे बचाने के लिए। तब गलती से सहरा प्यास के कारण उस पानी को पी जाती है जिसमें 4th टुकड़ा रखा हुआ था, और अब उसके पीते ही सहरा का खुद पर से नियंत्रण हट जाता है, मानो वो किसी ज़ॉम्बी में बदल गई हो। फिर कुछ समय बाद जब मेरेक थाने के साथ होती है तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और अब उसके अंदर से टीला थाने से कहती है कि उत्तर की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें एक मंदिर मिलेगा जहाँ से देवी दुनिया पर नजर रखती है, मैं भी तुम्हें वही मिलूंगी, जो सुनकर थाने हैरान हो जाता है, और इतना कहने के बाद मेरेक भी नॉर्मल हो जाती है। तब थाने उसे सारी बात बताकर कहता है कि टीला शायद अब भी तुम्हारे अंदर जीवित है, हमें तुरंत उस मंदिर के पास जाना होगा, वही वो जगह भी होगी जहां उस 4th टुकड़े को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मेरेक को विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम गोजुन और ज़ोलोक को नर्क में देखते है, जहाँ गोजुन उससे कहता है कि यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले तुम्हें मुझे मारकर मेरी शक्तियों को अपने अंदर समाना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जिस पर अब ज़ोलोक कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ मेरेक और बाकी उस मंदिर की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में काया घायल अवस्था में दिखाई देती है, और जैसे ही डेगन उसे देखने जाता है काया उस पर जादू करके उससे 4th टुकड़ा लेकर वहाँ से भागने लगती है, जिसके पीछे मेरेक और बाकी भी जाते है।
जहाँ रास्ते में काया के दोनों साथी भी आकर उनसे लड़ने लगते। लेकिन डैगन ठहरा चोर वो काया के गले पर चाकू रख के चालाकी से उससे टुकड़ा ले लेता है, जिसकी बाद वो सभी अपने गाड़ी में सवार होकर वहाँ से भागने लगते। तब काया भी अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जब वो अपने जादू से उन पर हमला करती है, थाने अपना शील्ड सामने रखकर उसका जादू पहाड़ की तरफ पलट देता है, जिससे पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरकर काया और बाकियों का रास्ता रोक देते। अब अगले दिन जब सभी आगे बढ़ रहे होते कि तभी उनके पीछे वो तीनों असैसिन पड़ जाते जो उनकी गाड़ी पर चढ़कर उनसे लड़ना शुरू कर देते। इसलिए मेरिक और बाकी भी डरकर उनका मुकाबला करते और जैसे तैसे उन्हें गाड़ी से बाहर करने में सफल हो जाते। लेकिन दुर्भाग्य से डैगन और सहरा गाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे असैसिन उनके पीछे पड़ जाते। पर जैसे ही सहरा एक असैसिन का हाथ पकड़ती, उसका हाथ उसके शरीर से ही अलग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पत्थर वाले पानी की वजह से ज्यादा ताकत आ गई थी, जो देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। तब डैगन तुरंत भागते हुए गाड़ी में चढ़ जाता है, लेकिन सहरा उस पर चढ़ने में असफल रहती है, जिससे वो तीनों असैसिन मिलकर उस बेचारे को मार देते हैं, जो देखकर डैगन और बाकियों को काफी बुरा लगता है। लेकिन अब भी उनकी मुसीबत कम नहीं होती, क्योंकि वहाँ काया अपने साथियों के साथ आकर उन पर हमला शुरू कर देती है। साथ ही मारिया भी अपने साथियों के साथ उड़ने वाले जहाज लेकर आ जाती है, जो काया और मेरिक के साथियों पर हमला शुरू कर देते हैं। तब मारिया एक बहुत ही बड़े तीर से मेरिक पर हमला करने की कोशिश करती है, पर बीच में डैगन आ जाता है, जिससे तीर उसे ही लग जाती है। वहीं अब सामने से रेत का तूफान भी आ रहा होता है, इसलिए मारिया और बाकी तुरंत अपनी जहाज को घुमा लेते हैं। दूसरी तरफ नर्क में गोजुन और जोर लोग दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते। वहीं इधर मेरिक डैगन के गांव को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी गहरा था, जिससे वो बेचारा वहीं अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर मेरिक एकदम ज्यादा दुखी हो जाती है और टीला का लॉकेट लेकर उसे आवाज लगाते हुए कहती है कि अगर तुम सच में मेरे अंदर हो तो डैगन को ठीक करो, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी, जिससे तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो सुनकर अब टीला तुरंत मेरे के अंदर से डैगन पर अपनी देवी के जादू का प्रयोग करते हुए उसे जीवित कर देती है, जो देखकर मेरे को ताने की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही अब सभी को विश्वास हो जाता है कि टीला सच में मेरे के अंदर मौजूद है, क्योंकि मेरे ने उसकी सारी ताकत को अपने अंदर संभाल लिया था। पर अब जैसे ही सभी उस टेम्पल के पास जाने का सोचते, उससे पहले ही काया और बाकी उनकी गाड़ी में घुस जाते हैं, और तब वो उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि हमें भी टेक ने पत्थर लाने के लिए भेजा है, क्योंकि हम भी उस पत्थर को सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे को उन्हें वो पत्थर देखने के लिए कहती है। जो वह पत्थर लेने के बाद वो सभी अब अपना असली काम बताते हैं कि टेक किसी जादुई ताज के बारे में बात कर रहा था, जो जोलो के पास है। इसलिए टेक के पत्थर उसे देकर उसके बदले उस ताज का सौदा करना चाहता है, ताकि वो अपने ट्राइब का लीडर बन सके, जो सुनकर सभी दंग रह जाते। अब इसके बाद काया और बाकी उन्हें धमकाते हुए कहते कि इस पत्थर को भूल जाओ, हम इसे टेक के पास ले जा रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। पर जैसे ही वहां से आगे बढ़ते, एक बड़ा भाला काया के शरीर की आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तब वहाँ वो तीनों असैसिन आकर काया के साथियों से लड़ना शुरू कर देते। वहीं मेरे काया के पास आकर उस पत्थर को ले लेती है और फिर अपने जादुई पाउडर से उन तीनों असैसिन पर हमला करके उन्हें कांच में बदलकर चकनाचूर कर देती है। फिर वो काया के दोनों साथियों से कहती है कि अगर चाहो तो तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो या फिर लड़ भी सकते हो, लेकिन वो दोनों भी काम के लिए मना करके वहां से चले जाते। अब रात भर सफर करने के बाद मेरिक और बाकी सभी उस मंदिर के पास आ जाते। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिस जगह के बारे में टीला ने उन्हें बताया था, वहाँ कोई मंदिर ही नहीं होता, बस एक नदी होती है, जो देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते। तभी फिर उन्हें एक उल्लू उड़ते हुए दिखाई देता है, इसलिए उसका पीछा करते हुए नदी में उतर जाते। तभी वो उल्लू फिर अचानक से आगे बढ़ते हुए गायब हो जाता है, जिससे सभी एकदम दंग रह जाते कि वो कहाँ चला गया। लेकिन तब उन्हें समझ आता है कि मंदिर सामने ही है, बस दुनिया के लिए उसे छुपा दिया गया है। इसलिए जैसे ही वो लोग अब आगे बढ़ते, वो बाकी दुनिया के लिए गायब होकर उसी मंदिर के सामने आ जाते, जहाँ उस मंदिर के अंदर से एक गार्डियन निकलकर बाहर आता है। पर वहीं मारिया और बाकी काफी समय से मेरिक का उड़ने वाली जहाज से पीछा कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें भी मंदिर के बारे में पता चल जाता है और वो भी वहां कर उन पर हमला शुरू कर देते। इसलिए अब गार्डन और बाकी भी मिलकर उनका मुकाबला करते। इधर गोजुन और जोलो की लड़ाई में गोजुन कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर जोलो उसकी सारी शक्ति अपने अंदर समा कर उसे मार देता है। तब जोलो के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उन शक्तियों से एक पोर्टल बनाकर सीधे मेरिक के पास पहुंच जाता है,
जहाँ वो गोजुन के बारे में जानकर एकदम दुखी हो जाती है, वहीं मारे और बाकी जोलो के बारे में ना जानते हुए उसके ऊपर ही बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे वो एकदम गुस्सा हो जाता है। और अब वो जादू से ऐसा वार करता है कि मारे की जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिसमें मारे और उसके सारे साथियों की मृत्यु हो जाती है। तब मौका देकर मैरक और बाकी तुरंत मंदिर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जोलो उसके अंदर नहीं जा पाता और ना ही उसकी शक्तियाँ का मंदिर पर कोई असर होता है, जो समझने पर वो आग बबूला हो जाता है। अब मंदिर के अंदर मैरक और बाकी को टीला का शरीर दिखाई देता है, और जैसे ही मैरक उसके पास जाती है उसके अंदर से टीला की शक्तियाँ निकल कर उसके शरीर में चली जाती है, जिससे टीला देखते देखते जीवित हो जाती है, जो देखकर थाने खुश हो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से टीला नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में उसकी देवी का पुनर्जन्म था। तब टीला मैरक से कहती है कि तुम चौथा टुकड़ा मुझे दे सकती हो, मैं उसे सुरक्षित रखूंगी। वहीं बाहर से ज़ोलोक उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर मैरक को लगता है कि ज़ोलोक इस मंदिर को तोड़कर चौथा टुकड़ा भी ले लेगा। इसलिए वो एक फैसला करती है, जो अब ज़ोलोक के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें चौथा टुकड़ा देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले मुझे वो जादुई ताज चाहिए, क्योंकि गोजुन अब नहीं रहे, जिनके अलावा कोई भी इस पत्थर को सुरक्षित नहीं रख सकता। जिस सौदे पर ज़ोलोक मान जाता है, जो अब उस पत्थर के बदले उसे ताज दे देता है। और अब जैसे उसके पास चारों पत्थर आ जाते हैं, उसकी सारी शक्तियां उसके शरीर में समा जाती है, जिसके बाद वो मेरे से कहता है कि मैं वापस आऊंगा, जो इतना कहकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब मेरक और बाकी टीला के पास आते हैं, जहां टीला मेरक से कहती है कि तुमने गलत फैसला किया, क्योंकि ज़ोलोक उस पत्थर से मिली शक्तियों का प्रयोग करके दुनिया में तबाही मचाएगा, इसलिए उसे रोकने का एक ही रास्ता है, और वो है हैमरड का हथौड़ा, जो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिलेगा, जिस पर मेरक कहती कि मैं ये काम भी कर लूंगी, जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते। लेकिन ताने उनके साथ जाने से मना करके टीला के साथ रुकने का तय करता है, ताकि वो उसके साथ मिलकर लोगों को बचा सके, जिस पर मेहरक और डेगन मान जाते हैं। पर अब जैसे वो दोनों मंदिर के बाहर आते, उन्हें वहाँ सहरा दिखाई देती है, जो अभी तक जीवित थी। जीसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला और फाइनल पार्ट देखना है, तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आप लोगों से एक छोटी विनती है दोस्तों, कि मैंने मेरे तरफ से पूरी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, आप भी प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चलती है, और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।